अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी, अल्लाह के फजल करम से। मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो चुका था जी अल्लाह के बबरकत नाम से। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और सबकी जहनी जिसमानी रूहानी तकलीफें दूर करे। आज का भी लोग शुरू करते हैं माशाल्लाह से जी। आज आठवीं सहरी खैर से हो गई है, खा रहे हैं सहरी, खा रहे हैं इस वक्त बच्चे, और साथ साथ लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। और किस पर हो रही हैं लड़ाइयाँ? इस न्यूटेला पे और इस दही फुलकियों पे जो रह गई हैं। और ये अक्सर ऐसे घरों में होती हैं लड़ाइयाँ बहन भाइयों की, इसी तरह खाने पे लड़ते रहते, खाते पीते लड़ते। कूड़े में से ना उठाओ क्या दोनों को, दोनों बहन भाई पहले तो आप इसको ही उठा के लेंगे ना, शुरुआत तो इधर से हुई है। नहीं, नहीं, कूड़े में से उठाए गए हो? हम तो बाहर में हैं। अच्छा शाबाश, चले क्योंकि हम वहाँ कूड़े पे रूढ़ी पे बैठे रहते थे ना माँ बाप तुम्हारे दोनों के। देखो देखो हम सोतेले, हम इसलिए ये छप्पड़ पे से उठाएंगे, ठीक है ना। आप सगी हैं, आपको इसलिए दही चाहिए। हाँ मेरी दही, मैं दही खा रही हूँ, बल्कि दही मैंने पानी बनाई भी, लस्सी बनाई भी, इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ, बड़ी अच्छी हो जाती है ज़रा मज़े की। अच्छा तुमने भी खा तो लिया था, फिर तुम इसके हिस्से में मुँह मार रही हो। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक टू मी? बस अंग्रेजी अपने पास ही रखो, ठीक है। ये देखो खा बैठी और फिर यार आदि नहीं करो यार, इससे मैं हाथ मार रही है बस, फिर लड़ाई ना हो तो और क्या हो। चले जी फिर बाद में मिलते हैं, यहाँ तो ये दंगल शुरू होने वाला था। ओ हो कल करो कुछ। अच्छा जी आज बेटी देखती क्या बना रही। हाँ जी क्या बना रही? क्रीम सैलड। क्रीम सैलड ये क्या है? मेयोनीज़, चीनी और क्रीम मिक्स करती मिक्स करती है। ये री क्रीम तो ख़त्म हो गई है। साइड। अच्छा अमरूद है, बाकी तो फ्रूट कहाँ? फ्रूट ऐसे भी लेने गए। और अच्छा फिर अभी ऐसे ही मिक्स कर दिया, ठीक है। ये माइक्रोनी है, ये मुझे निकालो इसमें से, शॉपर में से निकालो। ये बन रहा है जी फैंसी काम, बच्चियों के ये काम होते हैं फैंसी काम, में बड़ी खुश होती है बना भी लेती हैं। और हम आई हैं वही काम है, वो दिखाती हूँ मैं आपको, मेरा वही वही हिसाब। मैं अपने वही चने, काले चने पका रही हूँ जी, मेरी देसी हांडी पक रही है। ये आलू भी उबल रहे हैं सर, मैं नहीं रखी। ओह ये क्या है, प्याज है? हरी प्याज? नहीं नहीं गोभी। अच्छा गोभी है, कैसी प्यारी लग रही है ना, फ्रीज हुई हुई थी ना ये हरी वाली गोभी। अच्छा ख़त्म भी हो गई वैसे ना, मंगवानी है। और तो लाइट भी चली गई है, मैं पढ़ रही थी और आज बारिश भी हुई, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मौसम ऐसा ही हुआ है आज, बहुत अच्छा मौसम हुआ था, ज़बरदस्त था। नीचे भी ठक ठक सी हो रही है, वो भी हांडी उंडी का कुछ कर रहे हैं। मैं अभी इधर देखो कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त सा। और मौसम भी दिखाते हैं, रोज़ ही मौसम प्यारा होता है हमारे पौधे। बच्चे खेल रहे हैं अपनी छत पर और छोटा बेटा सो रहा है, ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। लाइट भी चली गई है, बंद कर दूँ वैसे भी। और ये कमरे में ये डब्बा क्यों रखा हुआ अभी तक, क्यों भी नहीं उठाया तुमने ना? मैंने कहा था कि उठा दो ये इस डब्बे को, ये इसके अंदर कोई चीज़ डाल के ऐसे रख दो, यहाँ पे रखा हुआ है ये डब्बा ऐसे, इसको उठाओ यहाँ से। अच्छा ले आया भाई ना चीज़ें, माइक्रोनी आ गई है और फ्रूट आ गया है। फ्रूट देखो कितना सा है, अल्लाह आग लग गई फ्रूट को। आग लगी है तो दूर हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी। और अनानास का डब्बा भी आ गया ना, चलो भाई बनाओ। वो थोड़े सेब थे वो बना दिए थे, डाल दिए थे बीच में से। अच्छा ये बन, थोड़ी सी बना ली है, वाह अच्छी लग रही है। इसमें ना बादाम शदाम भी डालना, अच्छा ज़रा अच्छी लग रही है, इसे अच्छा लग रहा है ना। चलो बनाओ फिर, मैं आप जा रही हूँ बस, अब नमाज़ पढ़ने हैं, आप बनाओ फिर अपना एक काम करो। गाजरे भी, ये किस्तों में मंगवा रहे हो ना आप लोग चीज़ें, ये देखो गाजरे भी आई, अब आई हैं गाजरे, बाकी वही जो है सब कुछ। गाजरे मुझे भी पता है, हमारा भी रोज़ा होता है, पर चीज़ें किस्तों में ला रहे हो आप। हाँ मौसम देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, इससे बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। शाम का समय इतना प्यारा मौसम लग रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है।
बस जी इफ्तारी की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता रोटियां भी आ गई हैं। और ये आए हैं चावल नीचे से, कौन से चावल हैं चैन मेरे पास, वो हैं छोलिए के चावल हैं। हाँ ये छोलिए के चावल मैंने बनाए थे नीचे से, वो भेजी भेजे। और ये मैंने पकाए थे काले चने ज़बरदस्त से। और ये अभी शिकंजवी नहीं सॉरी रूह अफजा नींबू डाला है इसके अंदर, आज बनाया है बच्चों ने कहा कि आज हमने रूह अफजा पीना है। तो अभी बाकी है। और ये है जी मेरा बेटा, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, हिल क्यों रहे हो रोजे कैसे जा रहे हैं आपके, अच्छे कितने बहुत, आप ऐसे क्यों बोलते हो है? और इसके पीछे मौसम देखें कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सीनरी है पीछे, सीनरी लगी हुई है, ये बैठा हुआ है सीनरी के आगे। और इसके बाल आना शुरू हो गए, इसके बाल बहुत हल्के हो गए थे सर, नीचे करो ज़रा, इसके बाल बहुत हल्के हैं, ये देखो ये वाकई बहुत हल्के लग रहे हैं इसके बाल। और ये देखें जी माशाल्लाह से, क्या है ये, रशियन सैलड बनाई है मेरी बेटी ने, हाँ ये रशिया से पैदल चल के आई है। और ये हो गई अभी भी हमारी चीज़ें पूरी नहीं, अभी हमारी खजूरें रहती हैं ना, अभी हमारी खजूरें रहती हैं और इनके अब्बा रहते हैं जिन्होंने आना है, अभी आ गए। तो चलें जी अब हम इफ्तारी करेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है ना, हमारे साथ ही रहिएगा। एंड इसलिए नहीं उस वक्त किया था इफ्तारी के टाइम, मैंने कहा था बाद का भी दिखाऊंगी कि बाद के हालात क्या होते हैं, खाने के बाद के असरात क्या होते हैं यहाँ पर, ये देखो खाने के बाद तो ये कुछ हो जाता है फिर बाद में। चनों का सारा शोरबा खा लिया और चने बचा कर पी लिया, शोरबा पी लिया, पी गए बल्कि हाँ पी गए, अब बैठ गए साइडों पर लग गए। चलें जी हो गया जी किचन साफ, ये भी बड़ा मरहला होता है इफ्तारी के बाद सारा समेटना किचन को। सालन भी जो था मैंने वो कुकर में से निकाल के ना मैंने इसमें देगची में डाल दिया, और दूध उबलने के लिए रखा था तो दूध ख़राब ही हो गया, फट गया दूध, बस नसीब में नहीं था, कोई नहीं, अब मैं यही सोच रही कि इसका क्या करूँ, या तो फिर जाग लगा के दही जमा लेती हूँ, ऐसे ही करूँगी। तो चलें जी आज की ये थी रूटीन, क्योंकि किचन को बाद में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर भी समेटा गया अल्लाह का शुक्र है। तो चलें जी इजाज़त दें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानुल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।